जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर अनदर डे व्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग पहले तो आपसे बाद में करूं यहाँ पे मेरा बंद हो गया एयर फ्रायर मैंने इसमें पिज़्ज़ा रखा हुआ था जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ना साथ में टी -टी स्टार्ट हो गई वो ओवर हो गया तो चलें जनाब वेलकम बैक टू माई चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माई लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मजे में होंगे मैं भी अलहमद बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब ये नान कल मैंने आपको दिखाया था ये देखिए ये सुबह बल्कि जब्राहल ने सुबह नाश्ते में भी खाया है थोड़ा सा नान तो ये एक नान हमने कल रात में खाया था एक नान ये बच गया तो कल सब ने सवाल किया था कि गुल ये नान कहाँ से लिया आपने तो ये अफगानी नान है और हमारे पास यहाँ पे अक्सर जगहों पे मिलते हैं लेकिन जो फ़्रेश नान ये मिलते हैं ना वो है जी शाहन बेकरी उसका नाम है जो एडमिंटन में ही है और उनके एक दो ब्रांचेज़ हैं तो उनसे ये मिलते हैं नान अब मैं बस क्या करूँगी इसको कट करूँगी कट करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि एक दो दिन तक अगर ना खाए गए तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँ और ये ख़राब ना हो इसको भी हम रखते हैं साथ में टाइम देखें दोपहर के सवा बारह हो गए नहीं एक बज गया सवा बारह करिए एक बजने वाला ये हो गया मिकाइल ने नाश्ता नहीं किया था तो मिकाइल ने कहा मुझे पिज़्ज़ा बना दें उसको मैंने पिज़्ज़ा बना के दिया है तो बस साथ में ये इधर बर्तन धुल रहे हैं <coughs> सच्ची मैं मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा लग रहा है तो बस जल्दी से इसको आप कट करते हैं फ्रीज करते हैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद लेके चलती हूँ आपको आज के ब्लॉग की तरफ दिखाती हूँ कि आज हम क्या कुछ करने वाले हैं सो लेट्स गो टुगेदर तो चले जनाब इससे पहले कि मैं अपनी जो मैंने नान को फ्रीज करना था मेकाइल का पिज़्ज़ा हो गया रेडी इसको निकाल के देते हैं ताकि ये खा ले क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं द जाना एंड मीका दोनों जो हैं वो ब्रंच ही करते हैं वो नाश्ता नहीं करते हैं लंच भी नहीं करते तो फिर वो ब्रंच करते हैं तो आज मीकाइल का दिल था पिज़्ज़ा खाने पे तो मैंने उसको आपको ये पिज़्ज़ा देख के ना स्कूल डेज याद आ गए होंगे क्योंकि स्कूल में तो बच्चे रोज़ ये पिज़्ज़ा लेके जाते थे लेकिन अभी चूँकि उनका स्कूल का ऑफ है तो आराम से वो पिज़्ज़ा कभी कभी मैं उनको घर के लिए दे देती हूँ क्योंकि जब ये बच्चे घर पे होते हैं ना तो मोस्टली मेरा दिल करता है कि ये घर का बना हुआ फूड खाएं ज़्यादा कोई फ्रोजन फूड या जो रेडी टू ईट फूड होता है उस तो तरह की चीज़ें वो ना ही खाएं तो ही बेहतर है तो अब मैंने क्या किया इसी बैग के अंदर मैंने ना इसको फ्रीज़ करना है ये पहले ना मिकाईल लगा हुआ है अपना नाश्ता लेने के लिए आया हुआ है मुझे हंसी आई मैंने कहा मिकाई आ जो कहते नहीं नहीं अम्मा आई एम गुड आई एम गुड मैंने कहा अच्छा चलो जाओ ले जाओ अपना पिज़्ज़ा आप मैं अपना काम करती हूँ तो मैं आपसे बात कर रही थी नान की तो इस नान को मैं क्या करूँगी इसके मैं स्लाइसिस कट कर लूँगी और उसके बाद मैं एक दफ़ा इसको फ्रिज में रखूँगी एक या दो दिन के लिए उसके बाद अगर फिर ना खाया गया फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी अब कि दो तीन दिन के अंदर ही ना नानों की ना जो फ्रेशनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है अच्छा तो है अभी भी पर इतना सॉफ्ट नहीं रहा जितना ये पहले सॉफ्ट था तो बस अब हम इसको करते हैं फ्रीज और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आज हमने और क्या करना है आज मैंने और बहुत सारे काम करने हैं घर के काम तो होंगे ही होंगे लेकिन आज हमारी लॉन केयर के लिए उस बंदे ने आना है ग्रास कट करने के लिए अब तो बिल्कुल वो आखिरी आखिरी टाइम है उसके बाद तो सून वेदर चेंज हो जाएगा विंटर में ये लोग हम लोग एंड पे क्या करते हैं लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी जो सर्विसेज आप पे कितना पे करते हैं कितना ये आपसे चार्ज करते हैं ये वो ना तो अच्छा हमारे पास दो सर्विसेज वाले हैं एक हमारे पास जो हैं वो सिर्फ ग्रास को कट करते हैं और वो क्या करते हैं पहले वो ग्रास की करते हैं जी ट्रिमिंग ट्रिमिंग के बाद वो उसको ब्लोअर के साथ क्लीन करते हैं फिर और और ग्रास, ग्रास को कट करते हैं तो ये इसका एक प्रोसेस होते हैं तो ये कंपनी एक डिफरेंट कंपनी है जिसको हमने हायर किया हुआ है तो मैं भी आपको बताती हूँ इनकी डिटेल्स कितना प्राइस पे करनी पड़ती है इसमें ये होता है कि आप पैकेज ही होता है आपका और उस पैकेज में ये भी होता है कि आप वंस ऐ वीक करवाना चाहते हैं वंस इन टू वीक करवाना चाहते हैं या आपको एवरी टेन डेज में करवाना होता है हम एवरी वीक करवाते हैं और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड कितना बड़ा है उसके साइज़ पर भी होता है तो हमारा जो है जनाब वो उसका तकरीबन आपको मैं अगर बताऊँ तो सेवेंटी के एटी डॉलर पर कट ही हमसे लेते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम चार दफ़ा करवाते हैं इस दफ़ा ये हुआ कि टेन डेज के बाद ये आया नॉर्मली हम एवरी वीक फ्राइडे के फ्राइडे हमारा डे जो होता था ना वो तय होता है कि फ्राइडे को ही आएगा देखिए जो कंपनी हमने हायर की थी इस कंपनी में इनके पास डिफरेंट वर्कर्स होते हैं तो जो ये बच्चा हमारे घर आता है ग्रास कट करने के लिए ये हॉकी प्ले करता है तो अभी इसका कोई हॉकी का टूर्नामेंट्स चल रहे हैं तो ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा था तो ये मैसेज कर देता था कि प्लीज़ क्या मैं एक दो दिन छोड़ के आ जाऊँ तो मुझे भी ये होता है कि कोई नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चलो एक दो दिन अगर उस बच्चे की कोई मसरूफियत तो है तो खैर है तो नॉर्मली तो वंस अ वीक होता है और आप लोगों ने पूछा था कि हम कितना इनको चार्ज करते हैं तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल्स के कितना ये हम लोगों को चार्ज करते हैं तो आप कह सकते हैं तकरीबन थ्री हंड्रेड थ्री समथिंग हमें अ मंथ पड़ता है जो हम ये वाली सर्विसेज़ लेते हैं दूसरी सर्विसेज हैं जो आपकी लॉन की वो केयर करते हैं जो उसको फर्टिलाइजर्स देते हैं जो उनको ओवर करते हैं जो वीट कंट्रोल होता है क्लियर पैथ होता है लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स होती हैं तो वो इनका ये होता है कि वो पूरे के पूरे सीजन में इनकी बारह के चौदह सर्विसेज होती हैं डेट सेट और उसका ये हमसे लेते हैं तकरीबन सेवन हंड्रेड डॉलर है जो हमने इनको एक साथ पे कर दिया था तो वो पूरे सीज़न का होता है तो पूरा सीज़न तकरीबन चार महीने का होता है तो आप कह सकते हैं हंड्रेड एंड फोर्टी हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर पर मंथ वो भी हमें चार्ज करते हैं तो ये जो अगर आपके बैक यार्ड्स अच्छे साइज़ के होते हैं या अगर आपने उनको हेल्दी रखना है क्योंकि अगर आपको मैं अपने नेबर्स का दिखाऊंगी ना तो उनकी ग्रास अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मरी आई डोंट नो अगर मैंने इसको फिल्म किया था कि नहीं तो हमारा देखें माशा कितना हरा भरा इतना खूबसूरत है माशा लेकिन मेरे नेबर्स जो हैं उनका बिल्कुल गंजा हुआ हुआ है बिल्कुल ग्रास वीड वीड है इतने वीड्स हैं कि ये देखें ज़रा मेरे नेबर का मैंने थोड़ा सा उधर दिखाया आपको ज़रा देखें कैसा उनका है तो ये वही वाली बात है जितना गुड़ डालोगे ना उतना मीठा होता है जितना पैसा लगाओगे या खुद कर लो अगर पैसा बचाना है तो आप ख़ुद कर लें लेकिन हम लोग चूँकि पैसा लगाने वालों में से हैं हमसे खुद काम नहीं होते तो हम पैसा लगा के काम करवा लेते हैं तो ये एक अच्छा खासा खर्चा होता है जो आपको हर साल करवाना पड़ता है विंटर में भी हम लोग बुला लेते हैं और समर में भी चलो जी हाँ क्या करते बमी कह दूध yeah. पाले? ले yeah. चलो ठीक है चल बाकी अंदर रख देना mm -hmm. भाई मिकाइल ना रात दिखाने तो बाद ना इन पसंद है सिंपल दूध पीना है ना मिकाइल uh. फ्लेवर्ड मिल्क नहीं पींदा वो भी uh. खाओ ना फ्लेवर्ड मिल्क केड़ा है जेड़ा तू पीना है वो बॉटल okay. वाला इट्स चॉकलेट बट डिनर आई ड्रिंक नॉर्मल दूध बिकॉज़ मैंने पसंद है ये मैंने बिरयानी बनाई थी तो ये इधर रखी है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी उधर फ्रिज ऊपर बिल्कुल फुल है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें ज़रा फ्रिज का हाल आप चेक करें इस फ्रिज में ना एक ज़रा सी भी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम लोग चीज़ें रखें तो फिर मैंने क्या एस्टेक की दुआई भी थल्ले तो फिर मैंने ये वाला एक बोल जिसमें थोड़े से राइस आए हैं वो मैंने इधर रख दिए नॉर्मली मैं इधर कुछ भी ऐसा नहीं रखती तो ये है जी हमारा फ्रिज का हाल आम एक एलबुतरी

तो वहाँ पे किसी ने वो गन्स वगैरह चलाई हैं और गोलियाँ चली हैं, हैं तो इस वक्त तो उन्होंने लॉकडाउन किया है रात के चुके हैं है? like, yeah. हाँ, yeah. <laughs> है, बाहर नहीं जाने दे रहे तो मिकेल तो की पे हैं कि मैं की नहीं करना हाँ नहीं असि जाना था अल्लाह बेहतरी करे ठीक है ना नहीं मैं न्यूज पढ़ी पता है पार्किंग लॉट विच होया तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिता है कि लोग ना निकले आई थिंक उन्होंने शूटर कैच करना दैट्स वाई ਤੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋਵੇ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਉ ਮੇਕ ਸ਼ੁਰਕਰ ਸਨਾਂ ਫਿਰ ਜਮਨ ਦੇ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਮਾਈਕਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾ ਬੇਟਾ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਈਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਬੀਬੀ ਜਬਰਾਇਲ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ ਐ ਜਾਂਦੇ ਬਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਐ ਅਸੀਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਾ ਲੈ तो जाना बर्गर खाना है तो वास्ते बर्गर बंद पे चलो है बंस अल्लाह खैर है कि चलो फिर थे ही हूं मैं बंद कर दी अपनी ब्लॉग में अच्छा मैं पंजाबी में ही शुरू हो गई हूँ चले जनाब तो ये भी करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा आपको पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो फिर कल वापस आइएगा मेरे चैनल पर से मिलने सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें रखिएगा दो में याद केयर जी अल्लाह